तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर मासिक टेस्ट कक्षा 10वीं अगस्त महीने का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। तो चलेगा, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समझते हैं आपके मासिक मूल्यांकन का टेस्ट है ये, जो कि कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए है। आपके पेपर के लिए इसमें 1 घंटे का समय दिया गया था और टोटली आपका 20 अंक का क्वेश्चन पेपर था। तो चलो जल्दी से मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कितना आपका पेपर क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हो गए। तो देखो, पहला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पद गाते थे। तो देखिएगा, बाल गोविंद भगत जो थे ना, कबीर के पद गाते थे, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। रामचरितमानस की भाषा है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। उसके बाद में देखो, जोड़ी मिलानी थी, सूर के पद, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी? तो देखिएगा यहाँ पर इसकी जोड़ी मिल जाएगी सूरदास से। बाल गोविंद भगत की जोड़ी मिल जाएगी राम वृक्ष बेनीपुरी से, और भक्तिकाल के कवि तुलसीदास, और उसके अलावा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी जोड़ी तुलसीदास से, उपन्यास सम्राट की जोड़ी प्रेमचंद से। अगर आप लोग इस प्रकार से जोड़ी का मिलान करोगे तो एकदम आपकी सही होगी। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख देना है, चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। कोई सा छंद, कोई सा चौपाई छंद, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? देखिएगा इसमें जो है ना, वीर रस की प्रधानता है, यहाँ पर आपको वीर रस लिखना होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? देखिएगा इसको बाल कांड से लिया गया है। किससे? बाल कांड, यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिएगा बनारस के 80 घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर आपको बनारस लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग? बनारस, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो देखिएगा सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ आए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है, यानी कि आपको यहाँ पर सूरदास अथवा तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है। दो रचनाएं लिखनी थी, भावपक्ष और कला पक्ष लिखना था। चलो जल्दी से मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग यहाँ से सूरदास का जीवन परिचय देख ले, दो रचनाएं पूछी गई तो यहाँ से दो रचनाएं लिख लो, और इसके अलावा ये भावपक्ष लिखा गया है, और इसके बाद में ये कला पक्ष लिखा गया है, तो सभी को आप लोगों को यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद में हम तुलसीदास का देखते हैं, तो देखो तुलसीदास जी की रचनाएं ये लिखी है, यहाँ से आप सब लोग तुलसीदास की रचनाओं को नोट कर लो, और तुलसीदास जी का ये भावपक्ष लिखा गया है, और इसके अलावा ये कला पक्ष लिखा गया है। तो यहाँ तक का पूरा आप लोग नोट कर लो, और इसको अच्छे से याद भी कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर को यहाँ से आप सब लोग नोट कर लो, ये इसका उत्तर दिया गया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही गई है? तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लो, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही गई है। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो और इसको पूरा का पूरा नोट भी कर लो। इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देनी है। देखिएगा इसमें आपको दो रचनाएं लिख देनी है, और इसके अलावा भाषा शैली आपको बतानी है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग स्वयं प्रकाश जी की दो रचनाओं को लिख लो, और उसके अलावा भाषा को याद कर लो, और उसके बाद में शैली को याद कर लो, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया है, आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और यहाँ से आप सब लोग अपने पेपर को अच्छे प्रकार से लिख भी लोगे। अब इसके अलावा देखिएगा आपके पेपर में प्रश्न नंबर 7 में इनके मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग पूछे गए हैं। देखो आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा होना, और यहाँ पर आपको वाक्य में प्रयोग कर देना है, मोहन अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा है, खून पसीना एक करना यानी कि अत्यधिक मेहनत करना। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आएगा, मोहन UPSC की परीक्षा में निकलने के लिए खून पसीना एक कर रहा है। और उसके अलावा अगला दे रखा है, घी के दिए जलाना, इसका मतलब होता है अत्यधिक खुशी मनाना। तो इसका राइट आंसर आप लोग वाक्य में प्रयोग कर लेना, वाक्य में प्रयोग आपका हो जाएगा, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। देखो आपका जो अगस्त महीने का टेस्ट पेपर है ना, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है,
अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।